अच्छा, ये तनकीद मेरी नज़र में नहीं आई, आपने देखिए, इसलिए कि मेरे से ना NFC अवार्ड के बारे में कभी IMF ने या वफाकी हुकूमत ने बात की है, ना ही जो आपकी 18वीं तरमीम के हवाले से। ऑन दी कॉन्ट्री, अभी तो 18वीं तरमीम पे वफाक ने अमल करना शुरू कर दिया, उन्होंने डिवॉल्व कर दी, सारी मिनिस्ट्रीज ख़त्म कर ली, तो ये तो है। कुछ और इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर IMF कराची रिपोर्ट, मजीद मल्ला। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से बातचीत। NFC अवार्ड पर वफाकी हुकूमत या IMF ने मुझसे कोई बात नहीं की। वज़ीर आला सिंध, 18वीं तरमीम से मुतालिक भी किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वफाक ने 18वीं तरमीम पर अमल करना शुरू कर दिया है, उन्होंने सारी वजारतें ख़त्म कर दी हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, दीगर मामलात पर खदशात हैं, हम वफाकी हुकूमत से इस पर बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही करेगी जो मुल्क के फ़ायदे में होगा। हमने किसी हाउसिंग स्कीम को ज़मीन अलाट नहीं की। वज़ीर आला सिंध का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, 5 IPPs कंपनियों से मुतालिक मैंने आज पढ़ा है कि मुहायदा ख़त्म किया जा रहा है। IPPs कंपनीज का 1994 से मुहायदा था, तकरीबन 25-30 साल का इनका कंस्ट्रक्शन का मुहायदा था। वज़ीर आला सिंध, इस अमल से बिजली की कीमत में कुछ कमी ज़रूर होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, मेरे ख्याल में हमारे पास जो सरप्लस पावर है इसे यूटिलाइज करने के लिए कुछ कम है। सिंध हुकूमत ने तजवीज़ दी थी कि कम कीमत पर सनअती इदारों को बिजली फराहम की जाए ताकि प्रोडक्शन और रोज़गार में इजाफा हो। मुराद अली शाह, मैंने सुना है कि सिंध हुकूमत की तजवीज़ पर सर्दियों में अमल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह।